नमस्कार। आज नवरात्रि का नौवां दिन है, यानी नवरात्रि के नौवें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है। आज हम इस वीडियो में सबसे पहले माँ सिद्धिदात्री की कथा सुनेंगे, उसके बाद अपने गर्भस्थ शिशु के साथ गर्भ संवाद करेंगे। माता की पूर्ण निष्ठा से पूजा करने से हमें सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। माता को सिद्धि और मोक्ष की देवी मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि माँ दुर्गा के इस स्वरूप की पूजा करने से भक्त को यश, बल और धन की प्राप्ति होती है। नवमी के दिन माता की पूजा अर्चना करने के बाद कन्या को भोजन कराना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि कन्या भोजन कराने से माता पूजा ग्रहण करती है। तो आइए सुनते हैं माँ सिद्धिदात्री की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार असुरों का संहार करने के लिए, देवताओं का कल्याण करने के लिए माता ने अस्त्र शस्त्र धारण किए थे। माता के पास अणिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, गरिमा, लधिमा, ईशित्व, वशित्व 8 प्रकार की सिद्धियां हैं। माता का यह स्वरूप सभी दिव्य आकांक्षाओं को पूर्ण करने वाला है। माता ने यह स्वरूप असुरों का संहार करने के लिए लिया था। इस दिन माता की पूजा करने से हमारे सभी कार्य निर्विघ्न पूर्ण होते हैं। माँ सिद्धिदात्री कमल पर बैठती है। माता के इस रूप की पूजा मानव ही नहीं बल्कि सिद्ध, गंधर्व, यक्ष, देवता और असुर भी करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब पूरे ब्रह्मांड पर चारों ओर अंधकार हो गया था और रोशनी का कोई संकेत नहीं था, तब उस अंधकार से भरे ब्रह्मांड में ऊर्जा का एक छोटा सा किरण प्रकट हुआ। धीरे धीरे इस किरण ने बड़ा आकार लिया। अंत में इसने एक दिव्य नारी का रूप धारण कर लिया। ये देवी भगवती का नौवां स्वरूप माँ सिद्धिदात्री का था। माता ने प्रकट होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश को जन्म दिया। पुराणों के अनुसार भगवान शिव शंकर ने भी माँ सिद्धिदात्री की कृपा से ही सिद्धियों को प्राप्त किया था। माता ने प्रकट होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश को जन्म दिया। पुराणों के अनुसार भगवान शिव शंकर ने भी माँ सिद्धिदात्री की कृपा से ही सिद्धियों को प्राप्त किया था। सिद्धिदात्री की कृपा से ही शिव जी का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण से इन्हें अर्ध नरेश्वरी नाम से भी पुकारा जाता है। इस दिन देवी का पूजन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। देवी के इस रूप की पूजा व्यक्ति को अमृत मार्ग की ओर ले जाने का काम करता है। माता की चारों भुजाओं में गदा, चक्र, डमरू और कमल का फूल विराजमान है। माता को बैंगनी रंग बहुत ही प्रिय है। माता की कृपा से हमारे कष्टों का निवारण करती है और माता हमारे सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। आइए अब माता की कथा सुनने के बाद अपने गर्भस्थ शिशु के साथ दिव्य गर्भ संवाद प्रारंभ करें। आंखें बंद करके शरीर और मन को स्थिर करके जो भी शब्द बोले जाए उसकी मन में कल्पना करें। हे मेरे प्यारे शिशु, मैं आशा रखती हूँ कि आप मेरे गर्भ में एकदम सुरक्षित हो। बेटा, नवरात्रि के नौवें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है। माँ सिद्धिदात्री हमें सभी सिद्धियों को प्राप्त कराने वाली है। माता की कृपा से आप अपने जीवन में हर सिद्धियाँ और सफलता को आसानी से प्राप्त कर सकोगी। हे मेरे अति प्रिय बाल स्वरूप, सिद्धिदात्री माँ की कृपा से आपके भीतर ऐसी कामना ही नहीं बचती जिसे आप पूर्ण करना चाहो। माता हमें सभी सांसारिक इच्छाओं, आवश्यकताओं और स्पृहाओं से ऊपर उठकर मानसिक रूप से
आपको शक्ति प्रदान करती है, आपको हिम्मत प्रदान करती है, ताकि आप अपने जीवन में हर सिद्धियों को आसानी से प्राप्त कर सको। बेचा माता की कृपा से आप अपने हर एक कार्य में सफलता प्राप्त करोगे। बेटा, माता बहुत ही दयालु है और शांत स्वभाव के है, जिससे आप अपना कर अपना जीवन धन्य कर देना। बेटा, सभी का सुख दुख में साथ देना, हर परिस्थिति हर दुख में साथ देना, अड़िग रह कर अपना जीवन सही मायने में सार्थक करना। बेटा, हे मेरे लाडले, मेरी लाडली, माता के सभी गुण आपके जीवन में आए। आप माता के गुणों को अपना कर अपना जीवन सही मायने में सार्थक करना, अपने माता पिता एवं कुल का नाम रोशन करना, देश और दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाकर आगे बढ़ते रहना। सदैव के लिए माता की तरह अनीति और भ्रष्टाचार जैसे राक्षसों के सामने लड़कर भ्रष्टाचार को खत्म करना। बेटा, आप अपना जीवन ऐसा दिव्य और तेजस्वी बनाना कि आपके सुवास से सब मोहित हो उठे, आपको मिलना चाहे, आपसे प्रेरणा लेना चाहे, ऐसा व्यक्तित्व आपका हो मेरे बच्चे। हे माँ, अंत में मैं इतना ही मांगती हूँ कि हर कदम मेरे शिशु का ध्यान रखना, उसकी रक्षा करना, वो सही मार्ग पर चलकर हर सिद्धियाँ को प्राप्त कर सके, ऐसी कृपा करना माँ, ऐसी कृपा करना। हे सर्वत्र विराजमान, दुखों को दूर करने वाली हे माँ सिद्धिदात्री, मेरी संपूर्ण गर्भावस्था के सारे दुख कष्ट और दुखों को हरना, मेरी गर्भावस्था मेरे गर्भस्थ शिशु के साथ आनंदमयी बने, ऐसी कृपा करना माँ, ऐसी कृपा करना। जय माता दी।